मुझे जब अभी चुनाव लड़ी तो मुझे बसपा पार्टी से ही टिकट मिली थी, उन्होंने टिकट भी दिया। और कोई पैसा जो लोग मतलब ब्लेम लगाते हैं कि बसपा पार्टी पैसा लेके ही टिकट देती है, मेरे पास एक रुपये नहीं था, एक रुपये मैंने नहीं दिया और मुझे उन्होंने टिकट दिया। तो अब ये है कि इस चुनाव को मैंने जीता जिला पंचायत का, तो बहुजन समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ूंगी, लड़ सकूंगी और मेरी बात भी सुनी जाएगी। इसलिए मैं राजनीति में मूड बनाया और मैं राजनीति में आई। मैं एक सेवक हूँ और अपने आप को मैं ये नहीं कहती कि मैं जिला पंचायत हूँ, वो बात अलग है, पद है। तो ये अगर पद भी मिला है तो सिर्फ आपकी देन है, ये मेरी देन नहीं है, है? तो हमें लड़ाई लड़ना है और सब चीज़ अपना काम करना है और क्षेत्र में अभी यहाँ तक की नहीं, अभी आगे तक की लड़ाई लड़ना है और आगे तक भी हमें सक्सेस होना है कहीं भी किसी भी जगह। मेरे अंदर में नहीं है, ना होने के बावजूद भी मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी। देख ले कलौनी कौन हो आती है, देख ले नहीं अंत अंत करता है मचा है तुम। सही, हाँ बहुत मिलते हैं, सही बात है। चलो चाहे दिखा जाने कैसे कर, उनसे बात में कर लूंगी कि जो भी हो तो मतलब यहाँ भी दे दें। आपके आदर्श किसको मानते हैं, सपने मतलब कि किसको आप कॉपी किसको करते हैं? अपने आप को कुर्बानी में देखा जाए तो बाबा साहब को मानती हूँ, क्योंकि बाबा साहब जैसे कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। उन्होंने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी। और राजनीति में अगर देखा जाए तो काम ऐसा करना चाहिए जैसे कांशीराम जी ने काम किया था। उन्होंने जा जा के साइकिल में जा जा के पैदल जा जा के घर के अंदर उन्होंने मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट को आगे ले जाके और अपने लोगों को जो बहुजन समाज को मंत्री विधायक तक उन्होंने पहुंचाया, मैरिस्टर तक पहुंचाया। और अगर महिलाओं में अगर सीख लेती हूं तो माता रामाबाई जैसे, उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि अपने पति को मतलब कभी भी उन्होंने अड़ंगा नहीं लगाया, कभी भी उन्होंने रोका नहीं और हमेशा अपने पति को मतलब कंडा पात पात के उन्होंने पैसा भेजाती रही और हमेशा खाना बना के गेट पे खड़ी रहती थी कि बाबा साहब कब कह दे कि खाना लेके आओ, ना कि उनको डिस्टर्ब क्यों नहीं किया। पार्टी में तो मैं उसका सपोर्ट करती हूँ जो बहुजन दलित शोषित समाज की हमेशा लड़ाई लड़ता है, जो जिसका कानून बिकाऊ नहीं था। अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता थी, जब सरकार थी, तो उन्होंने कभी किसी के साथ शोषण नहीं हुआ उनके सरकार में और हमेशा बहुजन की लड़ाई लड़ते रहे और उनको न्याय भी मिलता रहा। क्योंकि जब अगर विद्यालय 10 बजे खुलना था तो 9 बजे वहाँ के जो टीचर मास्टर होते थे, तो बसपा सरकार में 9 बजे खुल जाता था, कोई भी ऑफिस हो, DM कार्यालय हो, कोई भी हो, तो वो 9 बजे से ही खुल जाता था। 10 बजे इतना बावकाल था कि बहन जी पता नहीं उनको एक रूप दिया गया था कि पता नहीं कहाँ कौन सी गाज गिर जाए, मतलब बहन जी का इतना बड़ा रूप दे दिया गया, गाज जैसे रूप दे दिया गया कि पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाए तो सस्पेंड हो जाए। मतलब अगर कानून अगर देखा जाए तो चुस्त दुरुस्त कानून बसपा की सरकार में रहा, किसी के ऊपर कोई शोषण उत्पीड़न नहीं रहा। उन्होंने फिर घर त्याग दिया और हमेशा समाज के लिए अपने आप को त्याग दिया और आज भी वो ना तो शादी की ना तो कुछ की। और वो जब सत्ता में रही तो उनका आना जो मंच में बोलना जो उत्साह मतलब एकदम तेज तर्राट एकदम महिला एकदम तेजी के साथ बोलना किसी को जवाब देना, तो उनसे मुझे कहीं ना कहीं सीख मिलती है कि मुझे भी मायावती जैसे बनना है। और उनका जो वो सुप्रीमो लिखती हैं तो हम भी कहीं अपने आप अपने नाम के आगे सुप्रीमो लिखें। मीरा ने राजनीति में तो पांव जमा ही लिए हैं, लेकिन इसके साथ ही वो घर के कामों में भी अपना पूरा योगदान देती हैं। तो चलिए उनकी दिनचर्या पर एक नज़र डालते हैं। देखिए हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो अपना घर से ही खाना खा के जो भी होता है तो नमक रोटी खा के अपना चले जाते हैं और दिन भर क्षेत्र में रहते हैं। जैसे हम लोग जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं और उसमें अपना जाते हैं तो जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक करते हैं। और जैसे किसी के ऊपर कुछ केस जैसे घटनाएं हुई, कुछ भी हुआ, शोषण जैसे उत्पीड़न हुआ, तो उसमें हम जाते हैं और वहाँ और प्रशासन से अपनी बात रखते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जैसे किसी दिन कोई केस आ गया तो मैं वकालत की प्रैक्टिस भी करती हूँ
और कचहरी भी जाती हूँ कचहरी में, और वहाँ भी कई लोगों का एप्लीकेशन लिखवाना और लड़ाई लड़ना ये सब करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक भी दिन अगर रुक भी जाती हूँ घर में तो एकदम बोरिंग जैसे महसूस होने लगती है और एकदम तबीयत जैसे ख़राब हो जाती है। मतलब मुझे क्षेत्र में जाना अनिवार्य है और मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में रहूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। मीरा महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार के सामने भी दीवार बनकर खड़ी हो गई, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन सभी चुनौतियों का मीरा ने डट कर सामना किया और आज मीरा हर उस अल्पसंख्यक दलित समुदाय की आवाज़ बन चुकी हैं जो स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। देखिए, क्योंकि मैं समाज की सेवा भी करती हूँ और सामाजिक संगठनों में कई संगठनों में मैंने काम किया, और जिसके ऊपर शोषण उत्पीड़न होता है, रेप जैसे घटनाएं होती हैं, तो उनमें हम उनकी आवाज़ को उठाते हैं और उनकी हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। बात ये हुआ कि और लड़ाई लड़ते लड़ते और कुछ जो चित्रकूट के जो नेता हैं वर्तमान के सरकार के, उनको ये लगा कि ये लोग हमारी पोल खोल रहे हैं और इनको किसी तरह से इनको जेल अंदर किया जाए। तो जब ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि में और कई मतलब यहाँ और लॉकडाउन हुआ पूरे चित्रकूट में 2020 अप्रैल के महीने में, तो उसमें हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद किया और मैंने यही कहा कि देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, बेटियाँ सुरक्षित ही नहीं हैं और आज ये कह रहे हैं कि हम बेटियाँ को बचा रहे हैं, तो उसी बात को मैंने उछाल दिया। और जो यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी उसमें मैंने बात किया कि देखिए कि ओलावृष्टि हो गई यहाँ और ये सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है, क्योंकि जब मोदी जी आए तो यहाँ 60 करोड़ रुपये पास किया गया था 1 घंटे बोलने के लिए, और जब यहाँ पूरा चित्रकूट तहस नहस हो गया तो सिर्फ 6 करोड़ रुपए दिया गया। उसी में बोल दी और ये बात मेरी वायरल हो गई मीडिया में, और उसी को लेके और जो वर्तमान में आनंद शुक्ला जी विधायक जी हैं उन्होंने और राजद्रोह देशद्रोह जैसे मुकदमे लगा के और मुझे और मोहित भाई पटेल जी को राजद्रोह जैसे मुकदमा लगा के उन्होंने जेल भेजने का काम किया। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ तक फ़ोन उन्होंने किया कि एक दो नेता आए हैं उनको समझ लीजिएगा, जेलर के पास फ़ोन आया, उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने यहाँ भी जो महिलाओं के ऊपर शोषण उत्पीड़न होते हैं जेल के अंदर भी, ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ कोई घटना नहीं होती, तो इसमें भी मैंने लड़ाई लड़ा अंदर हर चीज़। अगर बेफालतू वहाँ मारते थे तो मैं वहाँ लड़ाई लड़ती थी, जैसे एक दिन सुबह का खाना शाम के बंटवा दिया गया, उसमें मैंने आवाज़ उठाया कि देखिए यह जेल है, जेल में मेन्यू के आधार पर खाना बनता है, आखिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भिंडी सड़ जाती है तब उसकी सब्जी बनाई जाती है, जब कद्दू पक जाता है तब उसकी सब्जी बनाई जाती है, आखिर क्यों, क्या अपने घर में ऐसे ही खाने बनवाते हैं। तब उसमें कुछ सुधार आया और मेन्यू के आधार पर खाना बनने लगा, और मुझे तीसरे दिन बुला के ये लोग हड़का भी रहे थे, तो मैंने कहा कि देखिए मैं यहाँ डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूँ, कोई कुछ करके नहीं हूँ, क्योंकि मैं समाज की सेवा करती हूँ और समाज की वजह से मुझे जेल भेजा गया। और फिर जिस 6 महीना बाद मैं जो बाहर आना पड़ा और बाहर आई और मैं हाई कोर्ट से मेरी बेल हुई और हाई कोर्ट से मुझे बेल होने के बाद फिर मैं बाहर निकली।